करो, बंद करो, बंद करो, लूटपाट बंद करो, बंद करो, बंद करो, स्मार्ट सिटी के नाम पर लूटपाट बंद करो, बंद करो, बंद करो। मुरादाबाद महानगर के स्मार्ट सिटी घोषित होने के बावजूद जगह जगह गंदगी और टूटी सड़कों के साथ साथ आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के उत्पीड़न, हाउस टैक्स समायोजन के नाम पर भ्रष्टाचार आदि मांगों को लेकर शिवसेना ने जिला प्रमुख वीरेंद्र अरोड़ा के नेतृत्व में नगर आयुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान शिव सैनिकों ने नगर निगम हाय हाय के नारे लगाए, कहा कि महानगर में सफाई व्यवस्था चरमाई हुई है, शहर की मलिन बस्तियों व अंदरूनी इलाकों में सफाई न होने से अनेक स्थानों पर कूड़े के अंबार लगे हुए हैं। 15-20 सालों से जमे हुए सफाई सुपरवाइजर और आउटसोर्सिंग कर्मचारी लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सीवर लाइन डालने वाले ठेकेदार के काम के चलते सड़कों की हालत बदतर हो गई है। प्रदर्शन के बाद शिव सैनिकों ने नगर आयुक्त को ज्ञापन दिया। इस दौरान प्रदेश प्रमुख विपिन भटनागर, महानगर प्रमुख कमल राव, युवा सेना के जिला प्रमुख मुदित उपाध्याय के अलावा पंकज सिंह पाल, दीपक सक्सेना, सुरेश सैनी, बदाम सिंह, कुलदीप रस्तोगी आदि मौजूद रहे। इस दौरान इस संबंध में नगर आयुक्त ने कहा कि शिव सेना द्वारा दिए गए ज्ञापन में उठाई गई समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। ज्ञापन आज देने आए हुए नगर आयुक्त महोदय को, आज आप देख रहे हो स्मार्ट सिटी के नाम पर चार तरफ सिर्फ बातें ही बातें हैं। स्मार्ट सिटी में हमारे समस्त वार्ड प्रमुख जो शिवसेना जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, उन्होंने जगह जगह जाकर के लोगों की समस्याओं से मिले, तो कहीं कूड़ा है, कहीं कूड़ों के ढेर हैं, कहीं पर नाली टूटी हुई है, कहीं सड़कें टूटी हुई हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पर एक बड़े बिल बनाए जा रहे हैं और फंडिंग के नाम पर सिर्फ कोई काम हो नहीं रहा। जगह जगह अव्यवस्था फैली हुई है, कहीं बिजली स्ट्रीट लाइटों को लेकर के, कहीं नगर निगम के नालों को लेकर के, कहीं कूड़ों को लेकर के, और स्थिति देखो आप कि जगह जगह अगर आप सब लोगों से हम लोग निवेदन करेंगे जो इन लोगों के द्वारा शौचालय बनाए गए, उन शौचालयों की व्यवस्था देख करके आप लोगों को बड़ी तकलीफ होगी। पूरे शहर का पैसा टैक्स के नाम पर वसूली हो रही है और टैक्स के नाम पर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हो रहा, हर तरह से इस पर भ्रष्टाचार को लेकर के आज शिवसेना के समस्त पदाधिकारी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं ज्ञापन देने के साथ साथ। जब तक नगर निगम आज इस पर स्पष्ट रूप से हम लोगों से बात नहीं कर लेंगे, और जब तक हम लोग ज्ञापन भी दे देंगे और अधिकारियों को संतुष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 2 महीने पहले भी शिवसेना ने यहाँ ज्ञापन दिया था तो अधिकारियों ने कहा था कि सारी बातचीत होगी। आज हम विद पोस्टरों के साथ आए, आज नगर निगम के विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे अभी हमारे यहाँ के 12 तारीख का क्षेत्र है, कांशीराम नगर का क्षेत्र है, लाइन पूरी है, पीतल नगरी है, कोठीवाल नगर है, इन सब क्षेत्रों में बहुत बुरी व्यवस्था। मेरे सामने पूरा प्रकरण आया है, अपर नगर आयुक्त को प्रभारी है, उनके द्वारा ज्ञापन लेकर के लोगों से बात की गई है, कुछ समस्याएं उन्होंने बताई हैं और जो फोटोग्राफ्स उन्होंने दिखाए हैं और जो पोस्टर दिखाए हैं उनको देख करके प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि कुछ स्थानों पर शहर में अभी कूड़ा पड़ा हुआ है, लेकिन उन्हीं फोटोग्राफ से ये भी स्पष्ट हो रहा है कि ये फोटोग्राफ खाली प्लॉट्स थे। खाली प्लॉट्स के सफाई की जो जिम्मेदारी है मूल रूप से प्लॉट के स्वामी की है, और अगर वहाँ वो गंदगी इकट्ठा होने देते हैं तो इसके लिए पेनल क्लॉजेस हैं, उनके ऊपर भारी से भारी जुर्माने का प्रावधान है। बहरहाल जो भी सूचना लोगों ने अपने ज्ञापन के माध्यम से दी है, मैंने आज ही इसमें त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। टीम जाकर के मौके का सत्यापन करेगी और जो भी कार्रवाई इसमें आवश्यक होगी हम जल्दी से।